गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एलैंथ क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर फोर पढ़ेंगे हम और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फ़ोर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन अब यहाँ कैपिटल एन क्या है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सारे मतलब चैप्टर नंबर फोर में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन गिवन है लेफ़्ट और राइट पार्ट में हम हमेशा के प्लेस पे क्या रखेंगे वन फिर टू थ्री ऐसे हमें कहाँ तक रखना है कि और के प्लस वन तक मतलब हम जब भी कोई टर्म यहाँ पे एन की प्लेस पे पुट अप करेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है जो भी वैल्यू हम यहाँ एन की प्लेस पे पुट अप करेंगे उस केस में एल एच एस और आर एच एस आपका हर एक कंडीशन पे कैसा रहेगा इक्वल राइट right? तो जब अगर हर कंडीशन पे इक्वल आता है मतलब ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे सेटिस्फाई मतलब ये डेफिनेटली एन बिलोंग करता है यहाँ पे मतलब फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको एक एक करके वैल्यू पुटअप करती है मतलब जब आप एन इक्वल टू वन एल में रखोगे और आर में तो आपका एल और आर इक्वल आएगा फिर एन इक्वल टू आप टू रखोगे तब उस केस में भी आपका एल और आर इक्वल आएगा फिर ऐसे करते करते आपको बार बार नहीं रखना है कि थ्री फोर फिर उसके बाद आप रखोगे के मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर होगा हमने उसको के सपोज कर लिया कि जब आप के पुटअप करोगे तब भी आपका एल एच एस और आर एच एस इक्वल आना चाहिए और उसके बाद अगर हम उससे भी बड़ा नंबर रखते हैं के प्लस वन तब उस केस में भी आपका एल एच एस और आर एच एस इक्वल आना है चाहिए जब इतनी सारी कंडीशन पे आपका एल एच एस और आर एच एस इक्वल आता है इट मीन्स ये मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है हर एक नेचुरल नंबर के लिए तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फाइनली उसको सॉल्व कैसे करना है राइट तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन मतलब एक कंडीशन गिवन है वन so मतलब प्लस थ्री थ्री स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन मतलब डे 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 प्लस थ्री थ्री की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू थ्री की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका एल एच एस पार्ट है और ये आपका क्या है आर एच एस पार्ट है राइट right? मतलब सॉल्यूशन करते वक्त वी कैन राइट द गिवन स्टेटमेंट एस मतलब जो भी गिवन स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम क्या सपोज कर लेंगे पी ऑफ एन मतलब ये आपका एक स्टेटमेंट गिवन है if n equals to वन we get right अब हम वन रखेंगे मतलब वन का मतलब होता है कि हम आर एच एस में वन रखेंगे और यहाँ से एक टर्म लेंगे फिर टू रखेंगे यहाँ से दो टर्म लेंगे पहली और दूसरी फिर थ्री टर्म रखेंगे फिर पहली दूसरी और तीसरी एक एक टर्म बढ़ती जा सकती जाएगी राइट right? तो देखिए जब एन इक्वल्स टू वन रखेंगे तो यहाँ से पहली टर्म कितनी आ रही केवल वन मतलब एल का आंसर यहाँ पे कितना हो गया आपका वन राइट right? अब हम आर में क्या रखेंगे वन तो देखिए थ्री की पावर हमने रखा वन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू थ्री माइनस वन हो गया थ्री माइनस वन कितना हो गया टू टू बाई टू कितना आ गया वन मतलब ये क्या हो गया आपका आर मतलब आर में आपने वन रखा तो वैल्यू आई वन और एल में आपने एक ही टर्म पकाउंट करी वो भी पहली वाली टर्म उसकी वैल्यू कितनी है वन मतलब एल भी वन है और आर भी वन है इट मीन्स क्या हो गया विच इज़ ट्रू किसके लिए पी ऑफ वन के लिए कंडीशन ट्रू है कि हमने इधर से पहली टर्म ली वो आई वन और हम क्या रखेंगे इसकी मतलब पहली वैल्यू आई वन तब भी उसका आंसर कैसा आया सेम अब हम अगर इसमें टू रखे तब इसका आंसर हम देखते हैं कि कितना आएगा सबसे पहले आर एच एस थ्री की पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू राइट थ्री की पावर टू मतलब नाइन माइनस वन बाय टू कितना आया एट बाय टू कितना आया फोर या आर एच एस मिला है आपको फोर एल एच एस में हम क्या काउंट करेंगे टर्म क्या रख रहे हैं टू तो टोटल कितनी टर्म काउंट करेंगे टू ये पहली और ये दूसरी दो टर्म लेंगे जब वन लिया था तो एक ही टर्म काउंट करी थी और उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी वन अब हम कितनी टर्म काउंट करेंगे दो पहली और दूसरी तो कितनी आ रही है वन प्लस थ्री ये कितनी आ रही है फ़ोर मतलब एल का आंसर भी आपके पास कितना आ रहा है फ़ोर और आर का भी आंसर कितना आ रहा है आपके पास फोर मतलब यहाँ एन इक्व टू टू के लिए दोनों ही कंडीशन क्या हो गई प्रूफ हो गई मतलब एल एच एस इक्व टू आर एच एस मतलब पी ऑफ टू के लिए भी ये कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई लेकिन यहाँ पर टू के लिए मैंने करा नहीं है बट फिर भी आपको कैलकुलेशन करके यहाँ मैंने दिखाया है कि अगर इसके बाद अगर हम कॉपी में टू के लिए भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई इट मीन्स देखे जाए तो इस सम में केवल हमें थ्री स्टेप के लिए ही सम करना है हमेशा वन के लिए के के लिए और के प्लस वन के लिए बट मैंने यहाँ पे वन के लिए तो आपको बताया ही है साथ साथ में मैंने टू के लिए भी बताया है कि ये स्टेटमेंट टू के लिए भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है तो वन रख दिया अब हम क्या रखेंगे के के लिए राइट right? तो देखिए के के लिए तो टोटल टर्म कितनी है हमारे पास सीरीज़ में के है मतलब हमेशा वन टू थ्री कहाँ तक जा रही है के तक राइट अब आप के तक मतलब आप देख रहे हैं कि ये वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री की पावर एन माइनस वन ये एन तक जा रही है तो एन माइनस वन के तक जाएगी तो क्या लिखेंगे के माइनस वन एन की जगह क्या रख दिया थ्री की पावर के माइनस वन बाय टू और इसको हम डायरेक्ट दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी हम के रखेंगे तो आर एच एस में हमेशा के पुटअप कर देंगे और जो एल एच एस में एन आ रहा है वहाँ पे भी क्या रख देंगे के और वो हो जाएगी आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब हमें चेक करना है के प्लस वन राइट अब हमारी ये टर्म तो यहाँ तक जा रही है तो वो के तक जा रही है वन प्लस थ्री स्क्वायर थ्री की पावर के माइनस वन अगर इससे एक टर्म और ज़्यादा लेंगे तो एक टर्म ज़्यादा लेंगे तो एक थ्री और बढ़ जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एक करके क्या हो रहा है थ्री इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा के की प्लेस पे हो जाएगा के प्लस वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए वन प्लस थ्री थ्री स्क्वायर थ्री की पावर के माइनस वन और यहाँ पे बचेगा प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा थ्री की पावर के राइट इतना समझ में आया अब हमेशा याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू हमेशा कहाँ से मिलेगी इक्वेशन नंबर वन जिसको आप देंगे वहाँ से आप वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हमेशा तो यहाँ रखा मैंने इक्वेशन नंबर फोर से थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और ये थ्री की पावर के एज इट इज़ क्लियर इसको हमने क्या करा एज इट इज़ लिख दिया अब यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास टू बाकी ये ब्रैकेट मेरा एज इट इज़ रहेगा थ्री की पावर के माइनस वन मैंने एज इट इज़ लिखा और इस टू का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया तो क्या हो गया टू इंटू थ्री की पावर के क्लियर अब इसको ओपन करा तो ये देखिए थ्री की पावर के माइनस वन प्लस टू थ्री की पावर के तो ये थ्री की पावर के है टू और ये थ्री की पावर वन टोटल क्या हो गया थ्री थ्री की पावर के एड हो जाएगा थ्री थ्री की पावर के माइनस वन डिवाइडेड बाय टू अब आप सोच रहे होंगे ये थ्री और थ्री की पावर के मतलब इस थ्री की पावर है वन इंटू और ये थ्री की पावर है के राइट माइनस वन डिवाइडेड बाय टू बेस सेम है इन दोनों का बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी एट, और वन प्लस के लिखो या के प्लस वन राइट पावर क्या हो जाएगी एट मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू तो आप देख रहे हैं कि जब के था तो थ्री की पावर के माइनस वन बाई टू आया था के, के लिए राइट के प्लस वन के लिए कितना आ जाएगा के की जगह के प्लस वन आ रहा है आर एच एस आ गया तो हम क्या लिखेंगे पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी ये कंडीशन क्या है ट्रू है जैसे पी ऑफ के के लिए भी है तो आखिरी में हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे देआर फोर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स दैट इज़ एन इट मीन्स कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है थैंक यू